नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको केरला के एक छोटे से शहर मावेलिकारा में हुए एक अपराध की कहानी सुनाएंगे। कैसे एक इंसान के लालच ने पूरा एक परिवार बर्बाद कर दिया और पूरे केरला और केरला पुलिस को हिला कर रख दिया था। 22 जनवरी 1983 की सर्द सुबह में केरला के जिला मावेलिकारा पुलिस स्टेशन पे एक शख्स भागता हुआ आता है और खबर देता है कि चावलों के खेत में एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी जल रही है। अभी तक पुलिस वाले उसकी कहानी ध्यान से सुन रहे थे, पर वो शख्स आगे जो कहता है वो सुन के आपके कान भी वैसे ही खड़े हो जाएंगे जैसे उन पुलिस वालों के हुए थे। और यहाँ से शुरू होता है केरला पुलिस के इतिहास का सबसे लंबा और चर्चित केस। आखिर क्या था ये पूरा मामला, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। मेरा नाम है आर्यन और मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी पूरी डिटेल शायद ही आपने कभी पहले सुनी। तो वो आदमी जो थाने में भागता हुआ आया था वो कहता है, ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है जो बुरी तरह से आग में झुलस चुका है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंचती है, साथ में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरिदास भी वहां पहुंचते हैं। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ मौजूद थी और गाड़ी को जलता देख रही थी। शायद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे कि कार खेत के किनारे दौड़ती हुई सड़क से पलट गई होगी या तकनीकी खराबी से गाड़ी में आग लग गई होगी। पुलिस तुरंत आग बुझाती है और पहली नजर में उन्हें भी ये एक्सीडेंट सा ही लगता है। पर आग बुझाने के बाद जब पुलिस ने देखा कि एक मृतक जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, उन्हें लगा कि शायद दाल में कुछ काला है। पुलिस को यह शक तो हो चुका था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही साबित हो गया। दरअसल कोई यदि आग में जल के मरता है तो उसकी सांस की नली से लंग्स तक धुआं या कालक पहुंच जाती है, परंतु इस मृतक की सांस की नली में धुआं नहीं पाया गया था। ऊपर से मौके पर मौजूद कुछ चश्मदीदों ने यह भी बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों को एक दूसरी कार में बैठकर जाते देखा गया है। जली हुई कार के आसपास पेट्रोल की गंध फैली थी और खेत में मौजूद थे पैरों के निशान, माचिस, एक जोड़ी चप्पल और रबड़ के दस्ताने जिसमें इंसानी बाल लगे थे। लग रहा था कि हत्या करने के बाद किसी ने इसे एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की है। आसपास के इलाकों में ये खबर आग की तरह फैलने लगी। लोगों के लिए ये चर्चा का विषय बन चुका था कि मरने वाला शख्स आखिर है कौन। पुलिस भी लाश की पहचान नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस लाश का चेहरा बुरी तरह जल चुका था और पहचानने के लायक नहीं रह गया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक परिवार सामने आता है और लाश की पहचान सुकुमार कुरूप के नाम से करता है, जो कि पास के गांव चेरियानाथ का रहने वाला था और जलने वाली एम्बेसडर गाड़ी जिसका लाइसेंस नंबर KLQ 7831 था वो भी सुकुमार कुरूप के नाम से रजिस्टर्ड थी। ये शख्स खाड़ी देश से कुछ ही सप्ताह पहले अपने गाँव लौटा था और कुछ दिनों से गुमशुदा चल रहा था। सबूतों के आधार पर लाश परिवार को सौंप दी गई, पर एक शर्त रखी गई कि अगर आप लाश को ले जाएंगे तो उसका दाह संस्कार नहीं करेंगे बल्कि उसे दफनाएंगे, जिससे आगे इस केस में लाश की जांच फिर से हो सके। ये ऐसा किया गया दोस्तों क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से पुलिस वालों को परिवार पे शक था। सुकुमार के परिवार से उसका बहनोई थाने आया था, उसका नाम था पिल्लई। पुलिस वालों ने देखा कि उसका हाथ एक तरफ से थोड़ा जला हुआ था। उससे अलग अलग अधिकारियों ने जब इसका कारण पूछा तो उसने अलग अलग वजहें बताई और कहीं ना कहीं पुलिस ने देखा कि परिवार का रोना धोना ड्रामा जैसा लग रहा है। इनके अलावा सुकुमार के ड्राइवर पोनप्पन और उसका दोस्त साहू भी अपना बयान बार बार बदल रहे थे। परिवार के इस असाधारण व्यवहार को देखकर पुलिस वालों को शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। परिवार वाले सुकुमार की लाश को ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं। इसी दिन से पुलिस ने अपने खबरी को उनके पीछे लगा दिया। पता चलता है कि कुछ दिन बाद ही सुकुमार के घर पर एक जश्न चल रहा है और चिकन बनाया गया है। यह बात पुलिस को बहुत ज्यादा अटपटी लगती क्योंकि दोस्तों उस समय उस इलाके में चिकन किसी उत्सव के मौके पर ही बनाया जाता था। जिस घर में कुछ दिन पहले ही मौत हुई हो उस घर में चिकन बनना काफी अजीब था। ये सब पुलिस का शक और मजबूत कर रहा था और पुलिस को ऐसा लगने लगा था कि मरने वाला शख्स सुकुमार नहीं है। पुलिस वालों ने अपनी तफ्तीश जारी रखी।
इसी समय एक और घटना की रिपोर्ट आती है। घटना स्थल से लगभग 100 किलोमीटर दूर ही एक दूसरे गांव में एक प्रेग्नेंट औरत अपने पति जिसका नाम चाको था, जो एक मूवी थिएटर में टिकट कलेक्टर का काम करता था, उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पत्नी का कहना था कि उसका पति 21 जनवरी को निकला था और अभी तक घर वापस नहीं लौटा है। जब पुलिस ने चाको की तस्वीर देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, चाको का हुलिया और कद काठी सुकुमार से काफी मेल खा रहा था। पुलिस का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था कि मरने वाला शख्स सुकुमार नहीं है। पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाया और तफ्तीश में ये सामने आया कि 21 जनवरी को देर रात को चाको जब अपना काम खत्म करके थिएटर के जिस रास्ते से वापस लौट रहा था, उसी रास्ते में सुकुमार की एम्बेसडर गाड़ी को भी देखा गया था। अब पुलिस वालों का माथा ठनका और उनका शक इस यकीन में बदलने लगा कि सुकुमार मरने वाला आदमी नहीं था, बल्कि मरने वाला आदमी था चाको। अब पुलिस दोबारा सुकुमार के परिवार से पूछताछ में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले साहू के घर धावा बोलती है और वहां देखती है कि साहू अपना सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहा होता है, पर सही वक्त पर पुलिस वहां पहुंचकर उसे दबोच लेती है। पिल्लई, जिसपे पुलिस को शुरू से शक था क्योंकि उसके हाथ जले हुए थे, वो भी उनकी गिरफ्त में आ जाता है और सुकुमार का ड्राइवर पुनप्पन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने साहू, पिल्लई और पुनप्पन से काफी सख्ती से पूछताछ की। तब सबसे पहले साहू ने अपना मुंह खोला और उसके बाद सब ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और तब सारी कहानी सामने आई। ऐसी कहानी जिसने पुलिस को एकदम हिला के रख दिया। ये कहानी तो एक तरफ चल रही थी, पर इसके अलावा एक और कहानी थी जो सुकुमार के साथ जुड़ी हुई थी, जो उसके अतीत की कहानी थी। जांच में पाया गया कि सुकुमार का असली नाम सुकुमार था ही नहीं, पहले उसका नाम कुछ और था। जब और पड़ताल हुई तो सुकुमार की पूरी डिटेल्स निकलवाई गई। वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा लड़का था जो बचपन से ही बहुत होनहार था। अपनी पढ़ाई पूरी करने और ग्रेजुएशन के बाद उसने इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की नौकरी भी की थी, पर उसका मन कभी उस एयरफोर्स वाली नौकरी में नहीं लगा। वो बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने घर भाग आता था। एक बार वो 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आया, लेकिन छुट्टी खत्म होने पर भी वो अपनी ड्यूटी पर नहीं गया। कुछ महीने बाद जब एयरफोर्स को पता चलता है कि सुकुमार ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन चालू हो जाती है। जब भी उसके घर पर कोई अफसर आते और पूछताछ करते, उसके घर वाले कोई ना कोई बहाना बना देते। काफी महीने बीत जाने के बाद भी जब सुकुमार वापस नहीं मिला, तब एयरफोर्स द्वारा ये आदमी भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। सुकुमार को पता था कि भगोड़ा होने का दाग उसके भविष्य के लिए सही नहीं है। अगर वो पकड़ा गया तो एयरफोर्स कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा और उसे सजा भी मिल सकती थी, क्योंकि एयरफोर्स ऐसे मामले को काफी गंभीरता से लेती थी। सुकुमार इन सब से बचने के लिए एक तरकीब निकालता है। दरअसल सुकुमार का एक दोस्त था जो उस समय सब इंस्पेक्टर का काम करता था। सुकुमार इसी सब इंस्पेक्टर से अपना एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाता है और एयरफोर्स को भेज देता है। रिपोर्ट मिलने के बाद एयरफोर्स के अफसर सुकुमार के घर वालों से पूछताछ करते हैं और घर वाले भी ये कह देते हैं कि उसकी मौत हो गई है। अब उसके ऊपर चल रहा जो केस था वो क्लोज हो जाता है और उसके ऊपर से भगोड़ा होने का दाग भी मिट जाता है। पर सुकुमार को ये चिंता हमेशा सताती थी कि कहीं उसका राज कभी खुल ना जाए, क्योंकि आधिकारिक रूप से वो अब मर चुका था और अगर एयरफोर्स को ये पता चला कि वो अभी मरा नहीं जिंदा है तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। इन सब से बचने के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए वो अबू धाबी जाने का फैसला करता है, पर उससे पहले वो मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के पास जाता है और वहां उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम था सरसम्मा। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि अपने परिवार के विरुद्ध जाकर माटुंगा के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। सुकुमार अपने साथ अपनी पत्नी को भी अबू धाबी ले जाता है, जहां उसे एक अच्छी मरीन ऑपरेटिव कंपनी में नौकरी मिल जाती है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलने लगती है। सुकुमार की बीवी ने भी मुंबई में नर्सिंग का कोर्स किया होता है, जिससे उसे भी अबू धाबी में नर्स की नौकरी मिल जाती है। इसी दौरान सुकुमार की मुलाकात साहू से होती है, जो सुकुमार के ही कंपनी में काम कर रहा होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जाती है। सुकुमार बहुत खर्चीला इंसान था, उसे अपने पैसों का दिखावा करने का बहुत शौक था।
वो अपने दोस्तों के साथ महंगे महंगे होटलों में जाता और महंगी से महंगी शराब पीता था। बड़ी बड़ी पार्टियां भी वो होस्ट करता था। अपने गांव जब भी लौटता तो रिश्तेदारों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाता था। ऐसे ही एक बार छुट्टी मनाने जब वो अपने गांव में था तो अपने गांव से कुछ दूर उसे एक प्लॉट पसंद आया, जहां पर उसने एक आलीशान घर बनाने का सपना देखा। सुकुमार की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। कंपनी की छुट्टियां चल रही थी जिसमें वो अपने घर वापस लौट आता है और प्लॉट पर घर बनाने का काम चालू करवा देता है। तभी एक खबर काफी तेजी से फैलने लगती है कि उसकी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने कर्मचारियों को निकाल रही है और कम तनख्वाह पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है। सुकुमार को ये पता चलता है कि उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अब सुकुमार को अपनी नौकरी खोने का डर सताने लगता है। दिल खोल कर खर्च करने वाला सुकुमार, जिसने कभी बचत की कोशिश ही नहीं की थी, अब उसके बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे बचे थे और दूसरी तरफ घर बनने का काम भी शुरू हो गया था। इन सब के बीच सुकुमार ब्रिटेन में छपी एक नॉवल पढ़ रहा होता है। नॉवल की कहानी में दो लोग होते हैं जिनका होलिया एक दूसरे से काफी हद तक मिलता जुलता रहता है। एक दिन उनमें से एक आदमी दूसरे का कत्ल कर देता है और उसकी लाश के सहारे वो अपनी मौत का झूठा नाटक रचता है, जिसके बाद वो अपने बीमा के पैसे हासिल कर लेता है, जिससे वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। इस नॉवल से सुकुमार को ये बात याद आती है कि उसने भी कभी अपने नाम पर 8 लाख का बीमा कराया था और उसके दिमाग में एक शातिर योजना आती है, अपनी मौत का झूठा नाटक करके बीमा के पैसे हासिल करने की योजना। सुकुमार इस योजना में पिल्लई, अपने ड्राइवर पोनप्पन और अपने दो साहू को भी शामिल करता है। किसी समय में सुकुमार ने साहू पर काफी एहसान किए थे और साहू की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो बिना किसी सवाल जवाब किए इस योजना में शामिल हो जाता है। योजना को अंजाम देने के लिए सुकुमार 8,000 रुपए में एक सेकेंड हैंड एम्बेसडर गाड़ी खरीदता है और अपने नाम पर रजिस्टर करा लेता है। अब इन चारों को एक ऐसे लाश की तलाश थी जो कदकाठी में सुकुमार जैसी हो। शुरू में उन्होंने किसी भी लाश को अस्पताल से उठाने की कोशिश की, क्योंकि पिल्लई का एक रिश्तेदार था जो अलापुजा मेडिकल कॉलेज में काम करता था, पर उन्हें यहाँ कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वो कब्रिस्तान से लाश निकालने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर भी बार बार कदकाठी का मामला उनके सामने आ जाता था और यहाँ भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। उन्होंने अस्पताल, मुर्दाघर और मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक कि कब्रिस्तान, हर जगह से लाश हासिल करने की कोशिश की, पर उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऐसे में उनके सब्र का बांध टूट जाता है और वो फैसला करते हैं कि अब ये लाश की तलाश खत्म करनी है और सीधे किसी की हत्या करनी है जिसकी कदकाठी और हुलिया सुकुमार से मिलती हो। अब ये चारों रोज रात अपने शिकार पर निकल जाते। सफलता यहाँ भी उनके हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों 21 जनवरी 1984 की रात आखिरकार एक बदनसीब मासूम उनके हाथ लग जाता है। ये चारों हमेशा की तरह खाना खाकर शराब पीकर अपने शिकार पर निकल गए। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि हाईवे पर एक शख्स लिफ्ट मांग रहा है। ये आदमी चाको था। चाको पहली नजर में ही सुकुमार की कद काठी को मैच कर रहा था। इन चारों ने चाको को लिफ्ट ऑफर की और चाको भी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसे भी घर जल्दी जाना था। मानो उस रात हर चीज उन चारों का साथ दे रही थी। रास्ते में दो लोग उतरकर एक दूसरी गाड़ी में इनके पीछे हो लेते। चाको से बातों बातों में ये शराब ऑफर करते। चाको ने शुरुआत में मना कर दिया, पर बाद में उन्होंने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई जिसमें इथाइल मिला हुआ था और एक टॉवल जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, उसकी मदद से ये चाको को बेहोश कर देते। बेहोश होने के बाद वो लोग चाको का गला घोटकर उस मासूम को मार डालते, फिर उसकी अंगूठी, घड़ी और कपड़े उतारकर उसे सुकुमार के कपड़े पहना देते हैं, ताकि सबको लगे कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि सुकुमार है। उसके बाद ये निर्दयी लोग उसी KLQ 7831 एम्बेसडर को एक खेत में ले जाते हैं, जो बाद में घटना स्थल बन जाता है। यहाँ चाको की लाश को
उस एम्बेसडर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर रखते हैं। गाड़ी पर ढेर सारा पेट्रोल छिड़क के उसे आग लगाने से पहले ये लोग चाको की लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं ताकि उसकी शक्ल ना पहचानी जा सके और वो सुकुमार ही माना जाए। इसके बाद वो चारों दूसरी गाड़ी में सवार होकर घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। इसके बाद प्लान का अगला हिस्सा ये होता कि सुकुमार का परिवार गाड़ी के सहारे लाश पर दावा करता, क्योंकि गाड़ी तो सुकुमार के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी और उसके परिवार को बीमा का पैसा मिल जाता। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। परिवार वालों ने चाको की लाश को सुकुमार की लाश होने का दावा किया और बीमा के पैसे भी क्लेम कर लिए। पर धीरे धीरे राज खुलने लगे थे। सुकुमार के घर चिकन बनना, पिल्लई का जला हाथ और चाको और सुकुमार की घटना का इतना मेल खाना, इस अपराध से जुड़े लोगों को पकड़ लिया गया। इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाले डिप्टी एसपी हरिदास, जो इस केस में शुरुआत से ही जुड़े थे, वो कहते हैं कि जांच के बाद मामले में सुकुमार के भाई भास्कर पिल्लई और उसके ड्राइवर पोनप्पन को हत्या के आरोप में उम्र कैद हुई। एक सह आरोपी साहू पुलिस गवाह बन गया। भास्कर और सुकुमार की पत्नियों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। काफी लंबे समय तक पुलिस और सुकुमार के बीच चूहे और बिल्ली का खेल चलता रहा। कई बार वो पुलिस के आने से कुछ घंटे पहले ही फरार हो जाता था। इसी केस से जुड़े इंस्पेक्टर जयप्रकाश बताते हैं कि बहुत देर रात हमें कुरूप के एक रिश्तेदार से सूचना मिली कि वो अलुआ में रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज में। मैं तुरंत आधी रात के बाद मावेली केरा से रवाना हुआ और लगभग 3 से 4 बजे अलवा पहुंचा। लेकिन जब हम लॉज पहुंचे तो पता चला कि वो कुछ घंटे पहले मालाबार एक्सप्रेस से अलवा से निकल गया था। जब हमने उसकी तस्वीर दिखाई तो रिसेप्शनिस्ट ने पुष्टि करी कि वो आदमी सुकुमार ही था और वहां मौजूद था। अगर हमें कुछ घंटे पहले सूचना मिलती तो हम उसे पकड़ लेते। केरला पुलिस के लिए ये केस अब प्रतिष्ठा का केस बन चुका था। पुलिस की सुकुमार की खोज अपने राज्य से परे उत्तर भारतीय शहरों जैसे ग्वालियर, भोपाल और इटारसी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भूटान और खाड़ी देशों तक पहुंच गई, पर सुकुमार पुलिस के हाथ नहीं लगा। बहुत सारे पुलिस अफसर तो खुद के खर्चे पर दूसरे राज्यों में जाकर सुकुमार की तलाश किए, पर सुकुमार उनके हाथ नहीं आया। सुकुमार की तलाश के दौरान चाको की पत्नी को भी कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसकी शादी चाको की हत्या से 1 साल पहले हुई थी और जांच के दौरान वो गर्भवती थी। उसे अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। आखिरी बार इस केस में ये अपडेट आया था कि वो झारखंड के रांची में देखा गया था, जहां एक नर्स जो खुद भी केरला की ही थी, उसने दावा किया कि उसने इसका इलाज किया है। क्योंकि ये केस केरला में काफी चर्चित हो चुका था और नर्स भी एक मलयाली थी, इसीलिए उसने सुकुमार को तुरंत पहचान लिया। उस नर्स का कहना ये था कि वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और शायद ज्यादा साल जिंदा ना रहता, पर अगर वो आज भी जिंदा हुआ तो उसकी उम्र तकरीबन 76 साल की होगी। दोस्तों, पोनप्पन ने जेल की सजा काटने के तुरंत बाद आत्महत्या कर ली। साहू वापस खाड़ी देश में चला गया और अब भी वही काम कर रहा है। पिल्लई अपने बेटे और परिवार के साथ अलापुजा जिले के कोलियर में रहता है और सरकार ने कुरूप की संपत्ति को जब्त कर लिया है। खैर, चाको की पत्नी ने इस अपराध से जुड़े सभी लोगों को माफ कर दिया है, पर चाको का बेटा जितिन अपने पिता के हत्यारों को माफ नहीं कर पाया। उसका कहना है कि उसे कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं मिला और उसकी माँ आज भी उस सदमे से उभर नहीं पाई है। जितिन को अब भी यकीन है कि सुकुमार पकड़ा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, इस केस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी है, जिसमे 1984 में आई NH-47 और हाल ही में एक और मूवी जिसका नाम कुरूप है, वो भी इस केस पर आधारित है। पर चाको का परिवार इससे नाखुश है। उनके बेटे का कहना ये है कि उसके पिता की हत्यारे को नायक के रूप में महामंडित नहीं करना चाहिए। अपनी ही मौत का 2 बार झूठा नाटक रचने वाला सुकुमार आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का मानना है कि ये केस कभी इतना चर्चित नहीं होता अगर सुकुमार पकड़ा गया होता। उसका ना पकड़ा जाना ही एक रहस्य बन गया और लोगों के लिए चर्चा का विषय भी बन गया। बहरहाल, जिस दिन पुलिस सुपरिंटेंडेंट हरिदास जलती हुई कार के स्थान पर पहुंचे थे, उस सुबह को आज लगभग 40 साल हो चुके हैं। उस दिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस हत्या के मामले को इतना खींचा जाएगा और वो केरला के आपराधिक इतिहास का सबसे सनसनीखेज मामला बन जाएगा। सुकुमार जिंदा है या मर गया किसी को नहीं पता,
पर आज भी चाको के परिवार का इंसाफ अधूरा है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कोई तरकीब ऐसी थी जो सुकुमार को पकड़े जाने में मदद कर सकती थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हमारी ताकत और हिम्मत हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।